उधर ना कल तक उधर पेड़ों के ऊपर पूरा बर्फ दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबने एवरीवन, कैसे आ लगाए हो, मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। दोस्तों अभी टाइम सुबह के 10:30 बजने वाले और आज का ब्लॉग मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है। गाय जब यहाँ चारों ओर देखो पूरा बर्फ़ का चादर चढ़ा हुआ है, तो उधर ऊपर साइड भी उधर ना कल तक उधर पेड़ों के ऊपर पूरा बर्फ़ दिखाई दे रहा था, आज हल्का सा पिघल गया। अभी ऊपर 10 नंबर पर तो 2-3 फीट बर्फ़ होगा वहाँ, और इधर साइड तो पिघल गया। अब थोड़ा सा रहेगा इधर बर्फ़, तो इधर का बर्फ़ तो 2-3 दिन में पूरा साफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर JNVN की जहाँ पर होटल है, तो उस साइड आज स्कीइंग कॉम्पिटिशन हो रहा वहाँ, तो चलो हम भी चलते थोड़ी देर बाद देखने के लिए। गाइज अभी टाइम 11 बज चुका है और आज यहाँ मस्त वाला धूप लगा है, तो अभी मैं भी निकलने लग गया हूँ उधर जहाँ साइड स्कीइंग स्लोप है, तो वहीं चलते हैं अब थोड़ी देर उधर घूम के आते हैं। अभी मौसम देखो पूरा साफ हो रहा है और यहाँ मस्त वाला धूप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धूप में बैठे रहो बोल के। आज तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ का। इधर साइड देखिए रोड में पूरा का पूरा बर्फ़ पिघल चुका है हल्का सा, रोड की डीप साइड और कोने दिखाई दे रहा है, और कोने भी देखिए इधर साइड पूरा बर्फ खाली हो गया है। गाइज आज ना ओली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है, इधर देखो गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, तो यहाँ नीचे से ऊपर तक पूरे गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। तो यहाँ नीचे वाले रोड पर आगे तक गाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर जो पार्किंग है तो आज लग रहा है वह भी फुल होगा। ये देखो नीचे कहाँ सीधा रोड के कोने कोने आगे तक गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, तो ऊपर पार्किंग भी आज फुल हो रहा। तो यार आज गाय जो मैं JNVN रिजॉर्ट की वहाँ पर पहुँच चुका, और यहाँ पर देखो जो ये पार्किंग है तो फुल बन रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी जगह नहीं है। तो आज स्कीइंग है तो लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ रखी है, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर, तो देखते हैं स्कीइंग कहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर बर्फ़ पिघल चुका है, तो स्कीइंग ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ हो रहा है ऊपर साइड में, तो चलते हैं हम भी सीधा ऊपर ही चलते हैं, तो थोड़ी देर देख लेते हैं स्कीइंग। इधर साइड अभी है बर्फ़ और ऊपर में ये ग्लास हाउस दिखाई दे रहा है, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही चल चल के, तो जब यहाँ पर ज़्यादा ठंड होने स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं ग्लास हाउस के अंदर। तो अभी तुम ना यहाँ से देखो ऊपर दिखाई दे रहा है स्कीइंग प्रतियोगिता हो रही है, तो ऊपर से आ रहे 8 नंबर से नीचे आ रहे और यहाँ ऊपर तक हो रहा, तो चलो हम भी सीधे ऊपर ही में चलते हैं वहीं से देखते हैं।
अभी ले प्रतिभागी बहुत अच्छे प्लेयर है जय सिंह। उन्होंने जो है हाल ही के खेलो इंडिया खेलों में जो है सिल्वर किया था। कुछ क्षणों में आपको दिखाई देंगे जय सिंह और उसी के साथ दिखाई देंगे बहुत अच्छी तकनीक के साथ करवाते हैं जय सिंह। देखते हैं अपना कितना समय निकालते हैं केवल जय सिंह। प्रतिभागी आ रहे हैं अतुल भट्ट अतुल भट्ट ले लिया है गाइज। अभी मैं जाने लग गए वापस और यहाँ देखो नीचे तक स्नोफॉल हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, उधर तो पूरा पिघल गया नीचे साइड का। अब थोड़ा सा रह रखा तो इधर रोड साइड देखो पूरा खाली हो रखा, तो हमने हल्का हल्का सीले जगह रह रखा थोड़ा थोड़ा सा बर्फ है। गाइज अभी टाइम शाम के 4:50 हो चुका है और यहाँ सनसेट हो चुका है। देखो अभी धूप हल्का सा उधर पहाड़ों पे दिखाई दे रहा है इधर साइड से। गाइज अभी टाइम 3 बज चुका है और अभी तक मैं सो रहा था। दिन में ना हम लोगों ने खाना खुना खाया 1 बजे, उसके बाद सीधा सो गया था। उस टाइम तो आसमान पूरा पैक हो गया था और हल्का सा यहाँ बारिश का बूंदा बांदी भी होने लग गई थी। अभी भी आसमान में बादल तो लगे हुए हैं परंतु हल्का सा धूप निकल चुका है। अभी इस शहर से हल्का साफ होने लग गया मौसम। उस टाइम से बारिश का बूंदा बांदी हुई, उसके बाद भयंकर हवा चलने लग गया था और उसके बाद थोड़ा मौसम साफ हो गया। गाइज अभी टाइम रात के 7 बजने वाले, अभी देखो मौसम पूरा साफ हो गया और आसमान में चांद दिखाई देने लग गया। दिन के टाइम पर देखा होगा आप लोगों ने पूरा मौसम पैक हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगा, बोले हल्का सा बूंदा बांदी हुई केवल बारिश की यहाँ आया नहीं। अभी देखो पूरा मौसम साफ हो गया।